हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने स्किन को कैसे वाइटनिंग कर सकते हैं, कैसे अपने स्किन को फेयर कर सकते हैं, ग्लोइंग ला सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर एंड क्लीन स्किन आपकी कैसे हो सकती है। तो गाइज, मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट शेयर करने वाली हूँ जिसको आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ही फेयर हो जाएगी और इससे कलर फेयर भी होता है। गाइज, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो जो भी मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ वो सारी चीजें मैं खुद अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, ये इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स ही आपको अप्लाई करने हैं मिक्स करके, और जो है आपका फेस बहुत ही ज्यादा उससे अच्छा लगेगा, क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अगर आप बहुत ही ऐसा कोई फेस पैक देख रहे हो जिसमें आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए प्रॉपर्टीज हो तो गाइज ये फेस पैक बेस्ट है आपके लिए। तो गाइज, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वहां पे छोटा सा बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस करिएगा, उसमें नोटिफिकेशन का बेल होगा वो उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन है, उसको आपको ऑल जो है उसमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं ऐसी कौन सी चीज आपसे शेयर करने वाले जो आपके लिए मैजिकल होगी। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी गुड वाइब्स ओका ऑरेंज शिल्ड पाउडर, और ये पाउडर बहुत ही अच्छा है। ये बेसिकली ऑरेंज का जो पील ऑफ होता है उससे बनता है, तो ये वाला यूज करूंगी मैं ऑरेंज शिल्ड। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, और ये गाइस टोनर भी काफी अच्छा होता है, तो ये रोज पेटल से बना है, ये मीन्स रोज टोनर। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी और मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। गाइस, मैं यहाँ पे लूंगी एक खाली बोल और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी ऑरेंज जून पाउडर गुड वाइब्स का, एंड देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर रोज ग्लो टोनर, और ये 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, उसमें मिक्स करते जाना है जिससे कि ज़्यादा नहीं होगा और आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं बन पाएगा। तो आपको बहुत ही थिक पेस्ट बनाना, रनी पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के इसमें ऐड करना है पाउडर में। एंड देन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क, और ये बॉइल्ड मिल्क है, आप चाहे तो रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना है। गाइज, ये है फेस पैक जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, और चलिए इसको अप्लाई करते हैं। और गाइज, ये ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी रहेगी क्योंकि ये इसमें है ऑरेंज का पाउडर, ऑरेंज पील ऑफ पाउडर। तो गाइज, ये थोड़ा सा आपको ड्राई सा लगे, तो गाइज आपको इस तरीके से अप्लाई करके रखना है इसको 15 से 20 मिनट तक, और इसको पूरा ड्राई नहीं करना है, आपको 80% ड्राई करना, उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसको 15 से 20 मिनट तक रख के उसके बाद वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ इंस्टेंट कितना अच्छा इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे स्किन में कितना अच्छे से ग्लो आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके साथ बाद अप्लाई करूंगी अपने फेस पे फेस मॉइस्चराइजर। तो गाइस, इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ निविया का फेस मॉइस्चराइजर, कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप स्किन केयर करिए तो अपने हमेशा स्किन पे कुछ फेस मसाज वगैरह मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करके मसाज करके उसके बाद ही अपनी स्किन को छोड़िए, अदरवाइज आपकी स्किन बहुत ही डल हो जाएगी। इसलिए आपको अपने फेस पे बेसिकली आप फेस मसाज क्यों करते हैं, जिससे आपको जो पोर्स ओपन हुए हैं वो जो है क्लोज हो जाए। तो गाइस, देखा आपने कितने अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया फेस पैक, और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है। तो गाइस, ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी परचेज कर सकते हैं मार्केट से, और अगर आप मार्केट से परचेज नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको आप घर में भी बना सकते हैं। तो भी गाइस, मार्केट में ऑरेंज तो आ रहा है क्योंकि ऑरेंज का सीजन चल रहा है, तो आप क्या करिए ऑरेंज ले आइए, उसको पील ऑफ करिए, उसका छिलका निकाल लीजिए, छिलका निकालने के बाद आप उसको धूप में सुखा लीजिए, थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा धूप में सूखने के बाद ऑरेंज का छिलका। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, रोज वाटर अगर नहीं मिल रहा है तो आप रोज पेटल ले आइए, रोज पेटल को पानी में डिप करके 10 से 12 घंटे रख दीजिए। जब पानी में डिप रहेंगे रोज पेटल तो उसका जो रोज पेटल्स जो आप कह सकते हो उसकी जो क्वालिटी होती है रोज पेटल की वो आ जाएगी पानी के अंदर। उसके बाद आप उसको एक बॉटल में फ्रेश बॉटल में भर के रख लीजिए। और मिल्क तो सबके घर में रहता ही रहता है, तो आप इसको मार्केट से परचेज करना चाहे मार्केट से परचेज कर सकते हो, आप इसको घर में बनाना चाहते हो तो इसको घर में भी आप बना के रख सकते हैं। तो गाइस, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें अगर आप घर में बना रहे हैं तो घर में बनाने में क्या
क्या होता है कि 10 दिन मैक्सिमम चलता है आपका, तो आप ऐसा मतलब ऐसा बनाइए कि आपको जो रोज पेटल वाटर है, रोज वाटर है और जो ये ऑरेंज जून पाउडर है, वो दोनों जो है 10 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑरेंज जून पाउडर बहुत दिन तक अगर आप घर पे बना के रखते हैं तो वो जो है उसमें कुछ कीड़े लग जाते, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, वो लग जाते हैं। तो इसलिए जो है अगर आपको घर पे बनाना है तो जब आपको अप्लाई करना उस टाइम पे बनाएं, या फिर आप बनाना है बना करके रखिए, 10 दिन के अंदर अंदर आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाया मैंने, कैसा लगा जरूर बताएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। गाइस सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि विंटर टाइम पे हर किसी को स्किन केयर करने की जरूरत पड़ती है। और ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, बॉयज के लिए भी बॉयज भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।